अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर मोहम्मद शहबाज एंड यू आर वाचिंग हमदानी साज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे आपसे क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में। इंसान की क्रिएटिविटी एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाती है ह्यूमन फियर की वजह से। कुछ खौफ है जिसकी वजह से आपके अंदर की क्रिएटिविटी मान पड़ जाती है। तो उन पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह उसको ओवरकम करना है। द फर्स्ट फियर इन द ह्यूमन इज दैट फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का डर। गुर्बत जिसकी वजह से इंसान रिस्क नहीं लेता है और जिस तरफ जिंदगी इंसान को लेके जा रही होती है वो उसी तरफ चला जाता है। और कामयाब लोगों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो रिस्क लेते हैं और किसी किस्म का खौफ उनके जहन में नहीं होता है। तो अगर आपके पास गुर्बत का खौफ आपके जहन में है कि आप ये काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। द सेकेंड फियर विच ऑलवेज इन द ह्यूमन बीइंग इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा। आप में एक टैलेंट है और आप इस टैलेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। आज हमारे पास जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले व्लॉगर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को देखा कि लोग क्या कहेंगे। मोरू की एग्जांपल बड़ी वैलिड सी है, मैं उसकी वीडियोस देख रहा था तो कहता है कि जी उसके पेरेंट्स ने कहा कि अगर आपने ये काम करना है तो नो पॉकेट मनी। शिफ्ट होने पे अम्मी अबू ने पॉकेट मनी काटी काटी, कहते तू खुद ही जा रहा है तो फिर खुद ही रास्ता काट ले काट ले। सो और आज उसका एक बड़ा नाम है यूट्यूबर्स में, एक और टॉप नॉच है वो। तो इसलिए काम वो करना है जिस पे आपको अबूर हासिल है, आपकी क्रिएटिविटी उसमें पीक पे जाती है। तो कभी भी इस काम को आपने आड़े हाथों नहीं आने देना है कि उसने कहा तो वो करना है, उसने कहा तो वो करना है, वो क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। आपकी क्रिएटिविटी पीक पे होगी तो लोग हमेशा तारीफ करेंगे। तीसरा खौफ जो इंसान के जहन में आता है वो होता है इंसान की हेल्थ। हेल्थ बड़ी चीज़ है, लेकिन इंसान एक क्रिएटिव काम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो सोचता है कि वो बीमार हो जाएगा और वो किस तरह सस्टेन कर पाएगा, वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर पाएगा। तो ये हेल्थ का जो खौफ है वो भी इंसान को क्रिएटिविटी से दूर लेके जाता है। चौथा खौफ जो इंसान के जहन में आता है जो उसकी क्रिएटिविटी को डैमेज करता है वो होता है अपनों को खोने का डर। मोरू की एग्जाम्पल दी मैंने आपको, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर आपने ये काम करना है तो नो पॉकेट मनी, तो इस तरह अपने को खोने का डर लग जाता है। तो बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे भी हैं इस डर से अपने काम को परस्यू नहीं करते क्योंकि मेरी जो है वो मदर क्या कहेंगे, मेरी वाइफ क्या कहेगी, मेरे वेल विशर्स क्या कहेंगे। तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ से नहीं घबराना है। कामयाब इंसान के पीछे पूरी दुनिया भाग, तो बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन दैट पीपल्स फॉलो यू इंशाल्लाह। द फिफ्थ पॉइंट, फियर ऑफ ओल्ड एज। अगर मैं ये काम करूँगा तो बुढ़ापे में क्या होगा, अगर मैं ये बन गया तो बुढ़ापे में क्या होगा, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो बुढ़ापे में क्या होगा। तो भाई जिंदगी को जीना है आपने, यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ, आगे क्या होगा गॉड नोज बेटर, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचना होगा। तो अभी जिंदगी को गुजारना है तो वो काम कीजिए जिसमें आप परफेक्ट है, जिसमें आपका दिल लगता है, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज को टच करेगी। इंशाल्लाह ओल्ड एज आपका बेहतरी हो। The last but not the least point is that fear of death. मौत से घबराना नहीं है आपने। लोग मौत से घबराते हैं क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और आई होप मुझे देखने वाले सारे मुसलमान भी हैं, लेकिन अगर जो नहीं है तो फिर भी अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना है। हर इंसान जो इस दुनिया में आ रहा है उसे जाना है। तो इसका खौफ, इसका पैनिक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि वबा, कोरोना की वबा चल रही है, उसका इफेक्ट तभी होगा जब आप खौफ को अपने अंदर इनहेल करेंगे। आप उसके खौफ में मुबतला होते जाएंगे, उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। आप उसको इग्नोर करते जाएंगे, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो मौत जो है वो उससे भी इंसान घबराता है कि अगर मैं ये करूँगा तो अगर मेरी मौत आ गई तो क्या होगा, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यार मैं मर गया तो क्या होगा, तो मैं ये नहीं करता तो मैं वो नहीं करता। तो मौत जो है वो एज ए मुस्लिम मेरा बिलीव है और आई होप आपका भी बिलीव होगा कि सबने इस दुनिया से जाना है। तो इस चीज़ को, इस खौफ में मत रहें कि आप एक दिन मर जाएं। अपने क्रिएटिव इमेजिन को इससे दूर रखें और अपने काम पर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतरीन काम करेंगे। अगर आप इन छह चीज़ों से नहीं बचेंगे तो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन डिफेक्ट होगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स की, मेरे देखने वालों की जो है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन डिफेक्ट हो। आप लोग सोचें जिस चीज़ के लिए आपको अल्लाह ने पैदा किया हुआ है,
वो टैलेंट आपके अंदर है, और इस खौफ से बालातर होकर जब आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त सा टॉपिक है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।